हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी और स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिटेल वर्कराउंड रिव्यू करने वाले हैं जावा 42.2.1 वेरिएंट का। तो मेरे पास अभी दो कलर अवेलेबल हैं, यहाँ पर मैट ब्लैक और दूसरा है ये मैट रेड। कंपनी ने तीन कलर के अंदर इस बाइक को लॉन्च किया है, जहाँ पर आपको एक और कलर ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि मैट वाइट है, जो कि जल्द ही डीलरशिप्स पर आएगा और उसका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। और थैंक यू करेंगे ईवी ट्रेड्स जावा शोरूम गाज़ियाबाद का, जिनकी वजह से वीडियो पॉसिबल हो रहा है। और ये बाइक्स जो हैं वो शोरूम पर आ गई हैं, अगर आप विज़िट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। तो अगर आप बाइक परचेज़ करना चाहते हैं या विज़िट करना चाहते हैं तो आप विज़िट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस बाइक के बारे में, क्या कुछ जावा ने इसको इसके अंदर चेंज किया है, इसके अलावा क्या प्राइसिंग रखी गई है। सो फ्रंट्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको हैलोजन हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है। पहले भी आपको हैलोजन ही देखने को मिलता था ये, लेकिन ये जो रिंग है लाइट का, ये अब ब्लैक फिनिश के साथ में है जो कि मैट ब्लैक है। पहले यहाँ पर हमें क्रोम का पार्ट देखने को मिलता था। इसके अलावा सस्पेंशन सेटअप की अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है और यहाँ भी आपको ब्लैकआउट ट्रीटमेंट का यूज़ देखने को मिलेगा। मडगार्ड का डिज़ाइन सेम ही है, यहाँ पर सेम आपको ये ब्लैक पट्टी देखने को मिलती है जो कि मडगार्ड की बिल्ड क्वालिटी को और ज़्यादा मजबूत बनाती है। इसके अलावा व्हील्स के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। और फ्रंट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको अब अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है। डिस्क ब्रेक आपको सेम मिलता है 280mm का, जो कि ABS के साथ में आता है। टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 90x90 R18 का ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है फ्रंट के अंदर। और ये अलॉय व्हील जो है वो डिज़ाइन वाइज काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर 13 स्पोक्स का यूज़ किया गया है और ये जावा ने खुद ही डेवलप किया है। यहाँ पर जावा ओरिजिनल की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्ट्रिप का यूज़ किया गया है अलॉय व्हील के ऊपर, जहाँ पर आपको क्लासिक लीजेंड्स और 42 दोनों की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है इस अलॉय व्हील के ऊपर। अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ। और उससे पहले हाँ, एक चीज़ आपको बता दूँ, ये जो टर्न इंडिकेटर आप देख रहे हैं ये बल्ब टर्न इंडिकेटर हैं और यहाँ भी आपको मैट ब्लैक फिनिश का यूज़ देखने को मिलेगा। पहले यहाँ भी आपको क्रोम पार्ट देखने को मिलता था, ये भी अब आपको ब्लैक में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अब चलते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, आपको बताते हैं और साइड में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं। और साइड की अगर मैं बात करूँ तो वो करेंगे हम मैट रेड कलर पे। इसके साथ में क्या होगा कि ब्लैक और रेड दोनों कलर में आपको एक ही वीडियो के अंदर दिखा पाऊँगा। तो चलिए चलते हैं साइड की तरफ। तो अभी आ गए हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल के अंदर और आप साइड से देख सकते हैं, पूरी बाइक आपको दिख रही होगी। और यहाँ पर आप देखें तो पूरा नीचे आपको ब्लैक ट्रीटमेंट का यूज़ देखने को मिलेगा। और यहाँ आप देखते हैं तो रेडिएटर आपको देखने को मिल जाता है इस बाइक के अंदर। इसके अलावा ये इंजन है जो कि अब आपको पूरा ब्लैकआउट ट्रीटमेंट के साथ देखने को मिल रहा है। 293cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि 4-स्ट्रोक 4-वाल्व इंजन है और DOHC इंजन है ये। ये इंजन आपको देता है 27.5 BHP की पावर जनरेट करता है, 28 Nm का टॉर्क, 6 स्पीड का गेयरबॉक्स आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिलता है। बाइक आपको मिलती है इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ में। इसके अलावा यहाँ आप देखें तो ये आपको ब्रेक पैडल देखने को मिल जाता है, ये फुटरेस्ट मिल जाता है राइडर के लिए। और यहाँ आप देखें तो ये एग्जॉस्ट है जो कि पूरा पीछे तक गया हुआ है यहाँ तक, और ये पूरा ब्लैक आउट ट्रीटमेंट के साथ में देखने को मिलता है। और अगर आप प्रीवियस मॉडल से कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर इसकी जो प्लेटिंग है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा साइलेंसर जो हैं वो चेंज किए गए हैं, जिसकी वजह से साउंड जो है वो नॉर्मल वेरिएंट के कंपैरिजन में थोड़ा आपको अलग देखने को मिलेगा, और साउंड भी मैं आपको सुनवाऊंगा। इसके अलावा साइड पैनल आप देखें तो यहाँ पर आपको क्लासिक लीजेंड्स और 42 दोनों की ही ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, जैसा कि हमने अलॉय व्हील के ऊपर भी देखा था, तो सेम चीज़ यहाँ पर यूज़ की गई है। रियर ब्रेक की मैं बात करूं तो रियर में आपको 240mm का डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा ABS के साथ में, और यहाँ भी आपको अलॉय व्हील देखने को मिल रहा है सेम 13 स्पोक का, लेकिन इसका जो साइज़ है वो आपको 17 इंच का देखने को मिलता है। इसके अलावा टायर साइज़ की मैं बात करूं तो रियर में आपको 120x70 R17 का टायर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी वाइड है और काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड कराएगा। और ये MRF के जेपर टायर्स हैं जो कि ट्यूबलेस टायर्स हैं, जावा ने प्रोवाइड कराए हैं अपनी 42.2.1 के अंदर। अब चलते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ, वहाँ से देखते हैं वहाँ पर क्या और चेंज हमें देखने को मिलते हैं। सो आपको एक बार साउंड सुना देता हूँ बाइक का, कैसा साउंड इस बाइक के अंदर आता है। तो यहाँ आप देखें इग्निशन के लिए की यहाँ पर दी गई है, आगे की तरफ ऑन होती है। और ये बाइक केवल आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट के साथ में देखने को, इंजन किल स्विच है।
तो अभी हम हैं बाइक के रेयर प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ आप देखेंगे तो कोई खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, सेम आपको LED टेल लाइट देखने को मिलती है जो पहले भी मिलती थी, बल्ब टर्न इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो एक स्ट्रिप का यूज़ आपको देखने को ज़रूर मिलता है, ये एक नया एलिमेंट यूज़ किया गया है जावा की तरफ से। टायर साइज़ आप देख सकते हैं पीछे से काफ़ी अच्छे से आपको दिख रहा होगा, तो काफ़ी वाइड टायर आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा एग्जॉस्ट पाइप आप देख सकते हैं, तो दोनों साइड आपको एग्जॉस्ट मिलते हैं इस बाइक के अंदर। यहाँ आप देखेंगे तो चेन सेट आ जाता है, और रियर सस्पेंशन की मैंने बात नहीं की थी, तो यहाँ आप देखें रियर में तो नाइट्रोक्स गैस चार्ज ट्विन शॉक अब्जॉर्बर आपको देखने को मिलते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड के अंदर। काफ़ी अच्छा सस्पेंशन जो है जावा प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा यहाँ आपको एक ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, ये भी आपको दोनों साइड देखने को मिलते हैं। यहाँ एक्सेसरी फिट नहीं की गई है जो कि बैकरेस्ट होता है, तो अगर आप बैकरेस्ट लगवाना चाहें तो वो आप लगवा सकते हैं। इसके अलावा आपको दिखाता हूँ मैं इसका टॉप व्यू, टॉप के अंदर आपको क्या और चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। टॉप व्यू की अगर मैं बात करूँ तो टॉप में आप देखेंगे ये इस बाइक की सीट आ जाती है, जहाँ पर कुशनिंग ऐड की गई है। हालांकि ये 2021 वेरिएंट के अंदर, जब DS6 के अंदर बाइक लॉन्च की गई थी तो तभी आ चुकी थी, और डिज़ाइन सीट का वही रखा गया है, उसके अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। टैंक के ऊपर आपको ज़रूर थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको स्ट्रिप देखने को मिलती है, साथ में यहाँ पर आपको 42 और क्लासिक लीजेंड्स की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, सेम जैसे अलॉय व्हील और साइड पैनल के ऊपर थी, तो वो चीज़ जावा ने यहाँ भी कंटिन्यू की है। इसके अलावा यहाँ आप देखें तो फ्यूल लिड का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि यहाँ से आप अपना फ्यूल टैंक खोल सकते हैं, और ये यहाँ पर आपको लॉक सिस्टम मिलता है तो इससे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा टॉप व्यू आप देख सकते हैं बाइक का, कुछ इस तरह के लुक हमें देखने को मिलती है इस बाइक के अंदर। ये हैंडल ग्रिप है, जहाँ पर आपको लो बीम हाई बीम पास स्विच मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर स्विच आपको यहाँ मिल जाएगा, इसके अलावा हॉर्न का स्विच आपको यहाँ मिल जाता है। ये क्लच लीवर है, और यहाँ आपको अब बार एंड मिरर्स मिल रहे हैं जो कि स्टैंडर्ड कर दिए गए हैं 42 के 2.1 वेरिएंट के अंदर। हालांकि जो 42 वेरिएंट है उसके अंदर आपको नॉर्मल मिरर्स मिलेंगे जो कि यहाँ पर ही फिट होंगे। यह हैंडल बार है जो कि सिंगल पाइप हैंडल बार है, काफ़ी वाइड और काफ़ी अच्छी ग्रिप आपको प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा इस साइड आप देखेंगे तो इंजन किल स्विच आपको मिल जाता है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच मिल जाता है, और ये ट्रिप मीटर का ऑप्शन भी अब इस बाइक के अंदर आ गया। तो ट्रिप बटन है, ये कैसे काम करता है वो आपको दिखा देते हैं। तो यह है इस बाइक का इंस्ट्रूमेंट कंसोल, आपको देख सकते हैं, जो कि फुली एनालॉग यूनिट नहीं है, यहाँ पर आपको सेमी डिजिटल मिलता है। तो ये पार्ट जो है आपका स्पीड दिखाता है जो कि एनालॉग यूनिट है, इसके अलावा छोटा है जो आपका फ्यूल दिखाएगा, और 8 टाइप के इंडिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऑडोमीटर आपको यहाँ मिलेगा जो कि डिजिटल है, इसके अलावा इसके अंदर अब आपको ट्रिप मीटर भी देखने को मिल जाता है। तो वो कैसे काम करता है वो आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे ही आप की ऑन करते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, और यहाँ आप देखें तो ऑडोमीटर के अंदर 4.2 जो आपको यूनिट दिख रही है ओडो, अगर आप ट्रिप बटन का यूज़ करते हैं जो कि यहाँ बार एंड इस हैंडल पर दिया गया है, तो इस बटन का जब आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ट्रिप चेंज होगी। आप देखें ये ए, ये बी, तो दो ट्रिप का ऑप्शन आपको मिलता है ए और बी का। इसके अलावा 8 टाइप के इंडिकेशन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, तो वो क्या क्या हैं वो आपको बता देते हैं। जब आप की ऑफ़ करेंगे तो यहाँ आप अच्छे से देख पाएंगे, यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ में इंजन फॉल्ट जो 160 के सामने है, इंजन फॉल्ट का मिलता है, ABS मिलता है, न्यूट्रल, इंजन चेक लाइट का मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर, लो फ्यूल, हाई बीम और बैटरी, तो ये 8 टाइप के इंडिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ आप देखें तो स्पीड जो है आपको यहाँ भी दिखती है, इसके अलावा 50, 70, 90, 110, 130 और 150 यहाँ भी आपको स्पीड देखने को मिलती है। तो ये कंपनी ने इसलिए दिया है क्योंकि कुछ कस्टमर्स की ये कंप्लेन होती थी कि उनको 60 और 100 के बीच का नहीं दिखता है स्पीडोमीटर के अंदर, तो वो चीज़ यहाँ पर जावा ने अब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कंपनी ने कस्टमर्स की कंप्लेन को नोटिस किया और यहाँ पर भी स्पीड का ऑप्शन दे दिया है। तो अगर आप यहाँ नहीं देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि आप कितनी स्पीड पर बाइक चला रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक चेंजेस और आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर रबड़ कवर्स का यूज़ किया गया है और नट बोल्ट्स को कवर करने के लिए, बेसिकली ये यहाँ पर जो बोल्ट्स होते हैं वो क्रोम में होते हैं, और बाइक की जो थीम है वो ऑल ब्लैक है, इसलिए यहाँ पर ब्लैक रबड़ का यूज़ कर लिया गया है कंपनी की तरफ से, जिससे कि थीम बरकरार रहे और ये आपको कुछ अलग ना लगे। तो ये है जावा 42। इसके अलावा ये मैट रेड कलर है, और यहाँ आप देखेंगे तो मैट ब्लैक कलर है। अगर आप चाहें दोनों कलर का तो मैं अलग से भी वॉक अराउंड रिव्यू डाल दूँगा, या फिर आपको कैसी लगी है ये वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स के अंदर। और प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो जावा ने इस बाइक की जो एक शोरूम प्राइस रखी है वो रखी है 1.84 लाख रुपीज़ दिल्ली एक शोरूम, यानी कि जो ओल्ड वर्जन है, यहाँ आप देख सकते हैं गैलेक्टिक ग्रीन कलर खड़ा हुआ है, ओल्ड वर्जन जो है उसमें आपको डुअल चैनल ABS के अंदर अगर आप देखते हैं तो 1.72 लाख रुपीज़ से शुरू हो गया, 1.77 लाख रुपीज़ तक जाता है। कलर के अकॉर्डिंग ये प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिलता है,
और अगर आप इस पे जाते हैं तो तीन कलर, जैसे मैंने आपको बताया दो ही अभी अवेलेबल हैं, वाइट और आएगा इसमें मैट वाइट, तो तीनों कलर का सेम प्राइस है 1.84 लाख रुपीज़ डेली एक्स शोरूम। तो प्राइस डिफरेंस आप देख सकते हैं, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट से कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज़ का ही आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, और 7,000 रुपीज़ के अंदर आपको अलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर जैसे फीचर प्रोवाइड कराए गए हैं जावा की तरफ से। और ये ब्लैक थीम जो है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, चाहे आप मैट रेड कलर की बात करें या फिर मैट ब्लैक कलर की बात करें, दोनों ही कलर जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आपको कौन सा कलर पसंद है आप कमेंट कीजिएगा, मेरे को तो मैट रेड ज़्यादा अच्छा लगा है। और आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप उनको मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों जल्दी ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में।